मैं सारे प्रोग्राम छोड़कर यहाँ आना उचित समझता हूँ। आज का दौर इलेक्शन का दौर, जिस दिन हमारे दिल से यह शंका दूर हो जाएगी, निश्चित तौर पर अपने गांव गुना लोगों में प्रदेश की बहने ऊंचे स्तर पर देश का तिरंगा फहराएंगे। आप दो तीन जगह और जहां था लेकिन मैं यहाँ आया। टांग खिंचाई की बात करें तो मेरे बहुत पुराने साथी मेरे साथ में बैठे। जब मैं इंट्रोडक्शन के लिए मेरा नाम दिया गया तो जब मैं उठा तो सबसे पहले मेरे साथी ने मेरा हौसला अफजाई किया। मोहित भाई राजगढ़ रेवाड़ी चॉइस कोर्ट 10-10 हमारे वहाँ नहीं लगे इसको भी खिलाएंगे ऊंचे लेवल का है मेरे साथ साथ खेल रहे मेरे नहीं खिलाएंगे हमारे इसका स्टैंडर्ड नहीं है वो बगेर बागे का तो थोड़ा था उसमें ये साहब के साथ बोलिए मैं एक रेड मानी साहब के साथ नहीं आया हाँ जो आदमी मुझे बूटा हो गया मैं बूटा हो गया क्यों बताओ आपको मैंने जवानी भी है पूछा मानना था आज भी पूछा मानना था बहुत ही कुछ छोड़ दे अलवा बना दे थाने में आ गया है कुश्ती में आ गया तो हमारी सोच बदलनी पड़ेगी दोस्तों हमारी बहनों को बदलना पड़ेगा जैसे कि हमारी बहनें उस में जाने के लिए इतनी अच्छी हैं हमें मोटिवेशन करना पड़ेगा आज हमारी जो बेटियां हैं वो किसी से कम नहीं है क्या मानो केरला की लड़कियों से हमारी लड़कियां कम है आज रहेगी सिखाने वाली सही और सिखाने वाली केरला वाली लड़की तेज होगी कर्नाटक वाली लड़की तेज होगी छोटा तो फिर ऐसी टांग सिंचाई नहीं करी अपनी लड़कियों बहनों की आप आगे बढ़ाओ इनको और इस परिस्थितियों से मैं भी उभर के आया हूँ जो मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं गांव में कोई इंटरेस्ट नहीं जिले में कोई इंटरेस्ट नहीं कबड्डी नाम से कोई टीम नहीं थी और सबसे कम उम्र में देश का बेस्ट प्लेयर घोषित हुआ 16 साल तक राष्ट्रीय स्तर पर खेला और डेडिकेशन था सबका प्यार था ये जानते हैं सारे जब स्टेडियम में जाते बैठे झूठ फिरा करते थे फटा शेर वाले मुक्के फिरा करते थे बेटियों का गेरना बेट का भूख लाओ आपके बराबर कोई नहीं है आपके बराबर इस समाज में इतनी तकड़ी कोई नहीं है डाइट अच्छी नहीं नहीं मिलती इतना वातावरण नहीं अच्छा नहीं मिलता सर्दी की जगह सर्दी है गर्मी की जगह गर्मी है बरसात की जगह बरसात है धूप की जगह धूप है सारे विटामिन खत्म हो जाए और सबसे बड़ी जो शरीर की ताकत है हमारे खेतों में होती है धूप खाओ बेटा ये कह के मुझे दूध नहीं मिला दही नहीं मिला बादाम नहीं मिले फलाने नहीं मिले सिगरेट नहीं मिले वो मात्र एक बहाना है सबसे बड़ा बादाम दूध घी सारे हमारे घर में है भाई इसलिए मैं सबसे बुजुर्गों से बहनों से माताओं के लिए अनुरोध करता हूँ कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ एक खेल ही ऐसा माध्यम है जिससे अपने बच्चे हिंदुस्तान में नाम कर सकते हैं अच्छी नौकरी मिलेगी अच्छे संस्कार मिलेंगे अच्छी जनरेशन आगे पैदा होगी और अच्छे विचार आगे हमारे देश का नाम ऊंचा करेंगे आपके गांव का नाम ऊंचा करेंगे आपका नाम ऊंचा करेंगे अंत में मैं ज्यादा समय न लेता हुआ मैं इस ग्राउंड को जो मुझे पता लगा है कि ये ग्राउंड के जो संचालक हैं कप्तान जी ये बहुत पुराने इस ग्राउंड से जुड़े हुए बहुत स्टूडेंट आगे निकालोगे आपको समय लग सकता है टाइम लग सकता है आपका मुराद डाउन हो सकता है लेकिन आपका दृढ़ संकल्प जो है वो आगे बढ़ाने से नहीं रोक सकता अंत में मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ शुक्रगुजार करता हूँ और मैं माफी चाहता हूँ अगर मैं कोई ऐसा शब्द बोल गया हो बहुत बहुत धन्यवाद है धन्यवाद और बहुत सारे
सर को भी समझाया भी कि बहन बेटियों को आगे लाना है और उन्हें आगे किस तरह बढ़ाना है। हर चीज हमारे पास है, सिर्फ दृढ़ संकल्प, ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत की जरूरत है, वो हमें करनी होगी। और अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आदरणीय श्री जसनेर हुड्डा जी से, जसनेर हुड्डा जी से मैं निवेदन करता हूँ कि वो भी जोर शपथ कह कर यहाँ खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करें, कमेटी को मार्गदर्शन दें। और भाई अगले मैच के लिए रिटोर्नी बहत्तर वर्षीय खोड़ा जिला धर्जा दोनों टीमें तैयार रहे। अभिनंदन करते हैं शिव कुमार जी जो कि हनुमान सरपंचा उनका पगड़ी के साथ उनका स्वागत कर रहे पगड़ी और मोमेंटो के साथ। उनको भी हमारे भावी जिला पार्षद शिव कुमार जी पगड़ी और मोमेंटो के साथ उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। और भाई सुनील उर्फ चिंटू उनका भी पगड़ी और मोमेंटो के साथ स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं और
सुरेश कुमार कौर साहब वो भी स्टेज पर पहुंचे। सुरेश कुमार कौर साहब टाइम आउट मारना। कौर साहब असद कुमार कौर साहब जी के साथ यहां पर पहुंचे। असद कुमार जी रिटायर्ड हेडमास्टर सतपाल जी हम सभी पगड़ी और मोमेंटो के साथ स्वागत किया जा रहा है। भाई बहुत ही अच्छा कार्यक्रम का आयोजन उस खेल कमेटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतना जबरदस्त आयोजन करवाया। और मैं आपसे निवेदन करता हूं आदरणीय श्री जसमेर कौर साहब हाजी मैं तीसरे मैच के लिए रिटर्निंग वर्सेस घोड़ा दोनों टीम तैयार होकर पहुंची। पानी तो कोच मिल तो रहे हमारे खोड़ा गांव के बहुत ही मेहनती लगनशील इंसान हमारे गांव के सरपंच पद के योग्य उम्मीदवार सरपंच साहब चिंटू 11,000 रुपए खेल कमेटी को देते हैं। जोरदार तालियां बजाएं सरपंच साहब के नाम से। हाँ वो पाठा बोल रहे हैं। अब एक रागनी ये हमारे भारत देश का गौरव भक्ति संगीत खेल और देश प्रेम कैसे एक रचना में क्या लिखा सुन।
आदरणीय महेंद्र पंत साहब 200 रुपए से अपने बच्चों को मान सम्मान आशीर्वाद देते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। मेरे बड़े भाई संदीप सरपंच पद के योग्य उम्मीदवार अपने खोड़ा गांव से खेल कमेटी को 11,000 रुपए देकर सहयोग राशि देते, बार बार धन्यवाद दाताड़िया बजाय भाई के नाम से। नंबर एक पे और भाई जिन जिन भाइयों ने भोजन नहीं किया है, भोजन की व्यवस्था हो रही है, भोजन कर लो भाई। क्या लिखा और सभी टीम के कोच जो हमारे परमात्मा स्वरूप हमारे मेहमान है, उनसे निवेदन है एक बार में एक टीम जा भोजन करके आ जाए, फिर दूसरी टीम के कोच अपनी टीम को लेकर भोजन करवाए। बार बार धन्यवाद। और जितने भी खेल प्रेमी यहाँ पर पहुंचे हैं सभी से निवेदन है भाई, जो हम सब है करके चरणों में मस्तक सारे इनके है धर के, चरणों में मस्तक सारे इनके है धर के। Thank you.
ये जो की भी हमने खुद की तबाही Oh, yeah.